What's up guys, welcoming you all from the city of lake that is Udaipur right now. मैं पहुंच चुका हूं उदयपुर में और फिलहाल मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी लेट से हुई है और इट्स 12:30 इन द आफ्टरनून और फिलहाल मैं आ चुका हूं लेक पिचौला के सामने. यह है यहां की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक. जो टूरिस्ट आते हैं यहां पर तो वही यहां पर घूमते हैं. दिस इज़ समथिंग अ सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस सिटी, द सिटी ऑफ लेक उदयपुर. जो कोरोना के वजह से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, वरना दिस इज़ द पीक टाइम फॉर द ट्रैवलर्स, फॉर द ट्रैवल फ्रेक्स, ट्रैवल लवर, जो भी आप बोल लो उनके लिए ये सिटी एक बहुत ही अच्छी जगह है. सो ऐसा कुछ है फिलहाल सिटी उदयपुर का. ये लेक पिचौला जो यहाँ का 1362 AD में ये फ्रेश वाटर लेक बनाई गई थी, जो यहाँ के करीबन पास के एक विलेज पिचौला के नाम पर रखा गया है, तो इसकी ऐसी है. बट इस समय वाटर की हालत काफ़ी गंदी हो गई. लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, अपना स्विमिंग कर रहे हैं. कुछ लोग हैं जो मुझे स्पॉट हुए. ये ऐसा कुछ है लेक पिचौला का गणगौर घाट, जिसके ऊपर मैं इसमें खड़ा हूँ. कल रात को ही मैं उदयपुर पहुँच चुका था और मैं इस समय ठहरा हुआ मुस्टैच हॉस्टल में, जो लेक पिचौला से काफ़ी ही पास में, यानी 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है. तो हॉस्टल का टूर मैं जब अब शाम को रिटर्न जाऊँगा तो आपको दूंगा, बिकॉज मैं कल काफ़ी थका हुआ था इसलिए मैंने कल वीडियोस नहीं बनाई रात में, क्योंकि मैंने करीबन 8 घंटे की बस जर्नी की. तो सुबह से मैं घूम ही रहा था पुष्कर में. सो ऐसा कुछ है ये लेक पिचौला यहाँ का आसपास का. सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सिटी पैलेस और मैंने यहाँ से ख़रीदी है और मेरी एंट्री टिकट, जो मुझे कॉस्ट पड़ी है ₹300, जिसमें मुझे म्यूज़ियम और सिटी पैलेस का टूर इंक्लूडेड है. सो अब हम यहाँ से चलते हैं. ये यहाँ का टिकट काउंटर है, ऐसा कुछ है ये. सो दे ऑफर ₹300 एंड आई थिंक सो वीडियोग्राफी इज़ अलाउड फॉर यूट्यूबर्स. सो मैं आगे चलता हूँ और मैं सिक्योरिटी से बात करूँगा, अभी मैं अलाउ करते हैं. सो विल रिकॉर्ड इनसाइड. सो ऐसा कुछ है मेरे पीछे का सिटी पैलेस, जो ये इसका एंट्रेंस गेट है, जो मैंने टिकट खरीदी है 300 की. और विल गो इनसाइड और हम चेक करते हैं ये जो सिटी पैलेस है कितना खूबसूरत है और वर्थ वाइल है कि नहीं फॉर दिस ₹300 बॉक्स टिकट. सो अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के एंट्रेंस गेट पे. तो ये है इसकी एंट्री गेट, काफ़ी खूबसूरत सा पैलेस है. हम अब अंदर चलेंगे और देखते हैं कि ये जो सिटी पैलेस है इसकी टिकट जो 300 वर्थ रुपीज़ है, वो इसके लिए वर्थ इट है या नहीं. ये ऐसी इसकी एंट्री है. यहाँ से हम अब चलेंगे अंदर और देखते हैं कि सिटी पैलेस कैसा है. और काफ़ी स्टार्टिंग एंड तो बहुत ही अच्छी है यहाँ की. तो फिलहाल अब हम अंदर जा रहे हैं. सो यहाँ पे कुछ तोपे रखी हुई हैं जो एंट्री गेट पे ही हैं और ऐसा कुछ है ये यहाँ का सिटी पैलेस. इनके जो दरवाजे होते थे बहुत अच्छे होते थे यार उस समय के. सो इस सिटी पैलेस की जो हिस्ट्री है वो 1533 में ये जो पैलेस है ये बनना शुरू हुआ था और करीबन इसे बनने में 400 साल लगे थे. महाराणा उदय सिंह ने इस पैलेस को बनाने की शुरुआत की थी, उन्हीं का ये पैलेस है सिटी पैलेस. ये यहाँ का सिटी पैलेस म्यूज़ियम है, जिसकी जो एंट्री है वो आपके टिकट में इंक्लूड होती है. ऐसा ये कुछ गार्डनिंग है और ऐसा है ये एंट्रेंस. मैं वहाँ से अभी एंटर करके अंदर आया हूँ और मेरे पीछे का ये सिटी पैलेस जो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आगे भी जाते हैं. अंदर अंदर हम जाएंगे, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है ये सिटी पैलेस और ये यहाँ का ये ऐसा कुछ एंट्रेंस स्टार्टिंग पॉइंट है. सो अभी हम आगे चलते हैं और आगे भी अंदर जाते हैं सिटी पैलेस के और देखते हैं कि ये सिटी पैलेस वर्थ विज़िट है या नहीं. सो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ म्यूज़ियम के अंदर और ये है यहाँ पे की एंट्री गेट, जहाँ पे आपकी बैग चेकिंग होती है, सैनिटाइजेशन होता है. ऐसा कुछ है यहाँ का म्यूज़ियम, जहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है. सो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अंदर, सिक्योरिटी चेक हो चुका है. अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या देखने लायक है और क्या क्या उनकी मान्यताएँ हैं, विशेषताएँ हैं जो राजा रजवाड़ों के समय होती थी राजस्थान के सिटी ऑफ लेक उदयपुर में, जो सिटी पैलेस है उसके अंदर का म्यूज़ियम,
हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको दिखाते हैं। सो ऐसी कुछ है यहाँ की सुरक्षा जाँच। सो फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ अंदर और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। कॉन्टेक्टलेस सैनिटाइज़र है और यहाँ पे टिकट अभी देखी जा रही है। मैंने जो टिकट खरीदी थी वो यहाँ पे आपकी चेक होगी। थैंक यू। सो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ही पहले ही। शॉप पे जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये ऐसी कुछ है, यहाँ के फाउंडर जो है सिटी पैलेस के वो है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको एंट्रेंस में फर्स्ट फ्लोर पे ही मिलेगी। गणपति बप्पा भी हैं और ये ऐसे कुछ है यहाँ का बनाया हुआ। ही इज़ द मेन ओनर ऑफ दिस पैलेस। तो ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर जो देखने के लिए म्यूजियम्स बनाए गए हैं। यहाँ पे पहले की सारी फोटोग्राफी यानी जो उस समय के फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं और ऐसा कुछ है यहाँ का सिटी पैलेस। उस समय की सारी ही जो प्लेसिंग्स है ट्राइबल वॉरियर्स की वो यहाँ पे शायद महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी वाला लगाया हुआ है। मिस्टर गांधी तो उस समय थे नहीं, बट आई डोंट नो। ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। सो अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर। प्लीज माइंड योर हैड। और यहाँ से अब चढ़ रहे हैं ऊपर पैलेस के सेकंड फ्लोर पे। आई डोंट नो यहाँ पे देखने लायक क्या है। बट यहाँ से यहाँ की जो फेमस लेक है लेक पिछोला उसका काफ़ी ही अच्छा व्यू आता है। ये राजा के महल के पीछे तो ये ऐसा है सरोवर है, इसका नाम है पिछोला। पैलेस के पीछे हम लोग कहते हैं पिछोला। हाँ बीच में महल बना, जग मंदिर है और आप लोग घूम कर जाते हैं 3 बजे तक। सो ऐसा कुछ है यहाँ का ये संग्रहालय जिसके अंदर फिलहाल मैं हूँ। ये देख सकते हैं आप पहले की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। नाहर जी का शिकार करते हुए उदयपुर 1851 यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। शूटिंग टाइगर, टाइगर को शूट करते हुए का ये जो है वो ये पेंटिंग्स बनी है। ऐसा कुछ है अंदर का सिटी पैलेस उदयपुर। विवाह के अवसर का है ये, यहाँ पर कैसे उस समय शादियाँ होती थी। यहाँ पे बहुत सारे महाराणाज हैं, मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको चेक करना हो बहुत सारे जो हैं महाराणाओं के बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिकल बुक्स जो होती हैं पहले की। ऐसा कुछ है यहाँ का ये नज़ारा। सो ये जो है यहाँ से फ्रंट साइड सिटी पैलेस से व्यू है यहाँ का पूरा। यू कैन सी ये उस समय के टाइल्स लगे हुए यहाँ पर और कितना खूबसूरत सा है ये सिटी पैलेस। मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को आना चाहिए
अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोलो भी, और अगर आप चीप बजट ट्रैवलर भी हैं, तो प्लीज़ एक बार 300 रुपीज़ का बर्डन अगर हम लेते हैं तो ये प्लेस बहुत ही वर्थ विजिट है। बहुत सही जगह बनाई हुई है, सिटी का खूबसूरत सा व्यू है। आज फिलहाल धूप नहीं है तो शायद सनसेट का यहाँ से मतलब नहीं हो सकता, बट आप लोग देख सकते हैं ये व्यू सिटी का। बहुत ही शानदार, और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, वहाँ मेरे को बहुत अच्छी हवा आ रही है, खुशों की हवा इस हर जगह फैन है और चालू भी है ताकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। प्लीज माइंड योर हेड बिफोर कमिंग डाउन, बिकॉज रास्ता ऊपर नीचे नीचे ऊपर जा रहा है यहाँ। वाह कितनी अच्छी जगह है यार, हर जगह से व्यू है, हर जगह से व्यू है डूड। फोटोग्राफी मैं बहुत ही अपना ज़्यादा जो मेरा फ़ोन था वो मिस को मैं उसको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ़ोटोज़ नहीं ले पा रहा हूँ यार। अब रियली सैड कि आई डू नॉट हैव माय गुड क्वालिटी ऑफ फ़ोन विथ मी। प्लीज़ जल्दी जल्दी फ़ोन आए एक नया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है रानी का महल। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी रानी, बट ये छोटी जगह थी काफ़ी यार, मतलब रानी के लिए जाने के लिए इतनी छोटी जगह और कॉम्पैक्ट प्लेसेस, आई डोंट नो रानी कैसे जाती रही होंगी, बट लेट्स सी देखते हैं। बहुत ही जगह छोटी है, उस समय के बर्तन रखे हुए शायद खाना मिलता रहा होगा, बहुत ही वजन है। कलेक्शन ऑफ ओल्ड यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का जो संग्रहालय है वो यहाँ पे। कैसे खाना मिलता था उस समय, ब्रज विलास ये जगह है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है। अंदर पूरी, और इस वीडियो में मैं पूरा सिटी पैलेस आपको कवर करते हुए दिखाऊंगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार। बहुत ही जल्द हम अपने चैनल को 10K सब्सक्राइबर ले जाएंगे, सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। फैन उस समय का। सो ये जो प्लेस है ये पूरा म्यूजिशियन डिपार्टमेंट है इस म्यूजियम के अंदर का। यहाँ पर उस समय के जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसे कुछ है ये, आई डोंट नो क्या है, दिस इज तानपुरा। इसके ऊपर की डिज़ाइन बहुत अच्छी है, आई डोंट नो दिख रहा है नहीं।
फाइनली समय आ चुका है यहाँ से अलविदा कहने का। सो ये था टूर सिटी पैलेस म्यूजियम का। अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ और यहाँ से हम अब जा रहे हैं बाहर। लास्ट पार्ट है, थैंक यू। सो ये है ऐसा कुछ यहाँ का अमर महल सिल्वर गैलरी। दिस इज द लास्ट पार्ट। ओ माय गॉड, बहुत ही सही बना हुआ है। सो ये है यहाँ की बग्गी। तो ये जो ऐसा है, ये जो प्लेस है यहाँ पे जो कैरियर्स होते थे, यानी जो बग्गी होती थी या लोगों को ले जाने के लिए होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ऐसा कुछ है, ये सिटी पैलेस का आखिरी सिल्वर गैलरी, जहाँ पे उस समय के पूजा पाठ, कैसे हवा देने का यंत्र, पूजा पाठ की चीज़ें चांदी की बनी हुई है, ऐसा कुछ यहाँ पर सारा रखा हुआ है। आरती के लिए सामान जो भगवान के लिए यूज़ होता था, इस समय की मेकअप किट है, उस ज़माने की है। सो ये ऐसी इसकी आखिरी और यहाँ पे ट्रेडिशनल तो अभी मैं पीछे आ चुका हूँ इस लेन को घूमने के लिए और सिटी पैलेस के बैक साइड और लेक पिचोला को सिटी पैलेस से देखने के लिए मैंने 30 रुपीज़ पे किए हैं। और यहाँ का ये ऐसा है कुछ पीछे का सिटी पैलेस। ये है एक रेस्टोरेंट जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, लाइक 10,000 रुपये की डिश है इसमें। मैं देखूँगा, अंदर जाने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कोई डिशेस जो मेरे बजट में हो। ऐसा कुछ है यहाँ का सिटी पैलेस और ये सामने है लेक पिचोला। यहाँ की बोट राइड की कॉस्ट है सुबह 2 बजे तक के लिए, वो है करीबन 300 रुपये, और 2 बजे के बाद है 800 रुपये। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ का लेक पिचोला, वो है ताज पैलेस। और ये है मेरे पीछे का सिटी पैलेस। क्योंकि अब समय हो चुका है एंड करने का सिटी पैलेस का टूर, जो मैंने कम्प्लीटली कर दिया है। और शायद से अगर मुझे बोट राइड चीप कॉस्ट में मिली तो मैं बोट राइड भी करने वाला हूँ यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और अब सो थोड़े समय में बाहर जाके आप लोगों से मिलते हैं।